नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय एक खबर महाराष्ट्र के सांगली जिले से काफी चर्चा में है। वह खबर है साधु संतों के साथ में मॉब लिंचिंग किए जाने की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले 4 संत कल अपनी बोलेरो गाड़ी में कर्नाटक की तरफ जा रहे थे। इसी बीच सोमवार को वो सांगली जिला पहुंचे और वहीं सोमवार की रात का विश्राम किया, रात का खाना खाया। उसके बाद मंगलवार कल 13 तारीख को वहां से जब आगे बढ़ने लगे तो किसी को रास्ता पूछा, पंडरपुर जाने का रास्ता पूछा, तब ग्रामीणों को इनके बच्चा चोर होने की आशंका हुई और उसी आशंका में इन्होंने, ग्रामीणों ने मॉब लिंचिंग की शर्मनाक घटना अंजाम दी, जिसमें कई लोगों ने इनके साथ मारपीट की। बाद में किसी तरह पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो तुरंत ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको वहां से बचाया और फिलहाल संत जो है वो सकुशल है। हालांकि पालघर की जो घटना 2020 अप्रैल में घटित हुई थी, वहां पर 2 संत की मौत हो गई थी, वो काफी शर्मनाक घटना वो भी थी और काफी शर्मनाक घटना ये भी है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है और अलग अलग बातें की जा रही है। इसी चीज को देखकर सांगली जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुद एक वीडियो बयान जारी करते हुए आह्वान किया है, किसी तरह की अफवाह फैलाने से लोगों को बाज रहने की उन्होंने बात कही है। आप आगे वीडियो में देखिए, ये जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से और दूसरी जगह से वहां से लिए गए हैं। हम इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफी वायरल हो चले हैं। और साथ ही साथ वीडियो आगे आप, जैसा कि मैंने अभी बताया, सांगली जिले के जिला पुलिस अधीक्षक है, उनका बयान है, वो भी आप वीडियो में आगे देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सांगली जिले में जत पुलिस स्टेशन के हद्दी में जत तालुके के हद्दी में उमली पुलिस स्टेशन के हद्दी में लवंगा गांव है, उस गांव में कल एक घटना घड़ी है। पर राज्य के कुछ साधु कर्नाटका से पंढरपुर जाते वक्त उन्होंने लवंगा गांव में पूछा कि पंढरपुर का रास्ता कहाँ है। उस समय लवंगा गांव में कुछ घटना घड़ी है, जिसमें इन साधु संतों पर कुछ गांव के लोगों ने असॉल्ट किया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस स्पॉट पे गई और उन साधुओं को हॉस्पिटल ले जाकर उनका औषध उपचार करा के उनसे घटना जो हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। उन साधुओं को आगे मंदिर जाना था, इस वजह से वो कंप्लेंट उन्होंने नहीं दिया। इस घटना की पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उमदी पुलिस स्टेशन के हद्दी में हर्ट और रायट सेक्शंस अप्लाई करके ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। 6 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है और जो इतर अक्यूज है उनको ढूंढने का काम चल रहा है और जल्दी हम इधर रखें। उसकी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई कृपया किसी अफवाह पे बिलीव ना करें। विदाउट वेरिफिकेशन कोई वीडियोस जो है वो वायरल या फॉरवर्ड ना करें। पुलिस के पास ऑथेंटिक वीडियो है, उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया है और उसी वीडियो के आधार हम एक्यूज को भी अरेस्ट कर रहे हैं। कुछ एक्यूज को अरेस्ट किए हैं, कुछ एक्यूज को हम अरेस्ट कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कोई रूमर्स ना फैलाएं और वीडियोस जो हैं वो वेरीफाई करके ही उसकी दखल ली जाए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।